जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ, आज मैं बताऊंगा कि जितने भी लड़के या जितने भी लड़कियां आर्मी के एग्जाम की तैयारी करती हैं घर बैठे या किसी कोचिंग के माध्यम से, उन्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आर्मी का एग्जाम कैसे निकालना है, आज मैं वो बताऊंगा। आर्मी का सिलेबस क्या होता है, आर्मी के एग्जाम के निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ, मैं पूरी एनालिसिस करूंगा कि अगर जितने भी लड़के लड़कियां क्लास 10th पास आर्मी की भर्ती देखते हैं, उन्हें क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, किस बुक से क्या टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ आज मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि सभी लड़के लड़कियों को मालूम होना चाहिए कि आर्मी की जो भर्ती आती है जीडी की, और जीडी की होती है क्लास 10th पास लड़कों के लिए होती है, जीडी की होती है, और क्लास 10th पास लड़कियों के लिए एमपी की होती है, आर्मी में ही होती है, एमपी की होती है, मिलिट्री पुलिस की होती है। ठीक है, और ये दोनों जॉब सेम होती है, एक जैसी होती है, इन दोनों का सिलेबस जो होता है बिल्कुल एक जैसा होता है, इसमें सब कुछ एक जैसा होता है। ठीक है, और ये दोनों 10वीं पास लड़के और लड़कियों के लिए आती है, दोनों का सिलेबस भी एक होता है। चलिए आज वही बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि आपका आर्मी का एग्जाम निकल जाए, और कौन से बुक से आपको तैयारी करना है। ज्यादातर लड़कियों का कमेंट आ रहा था, पूछ रही थी कि हम आर्मी के एग्जाम, या लड़के पूछ रहे थे कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कितने लड़के होते हैं एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं लाखों रुपए हजारों रुपए देकर आर्मी का एग्जाम निकालने के लिए, जब उनका फिजिकल दौड़ निकल जाता है उसके बाद वो 2-3 महीने की तैयारी के लिए चले जाते हैं। अगर वो घर ही पे 2-3 महीना पढ़ दें ये सिलेबस, तो आर्मी का एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं होता। आर्मी का एग्जाम जैसा दुनिया का कोई हल्का एग्जाम नहीं होता है, मैं आपको 100% चैलेंज के साथ कहता हूं। लेकिन हाँ, लड़के डरते हैं कि एग्जाम है नहीं निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए वो एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि घर बैठे बैठे आप अपने पढ़ाई के बल पर एग्जाम निकालना, तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले ये बता दूं कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस वैसे तो सभी को मालूम होता है, सिलेबस है कि मैथ तो आता ही है, मैथ, उसके बाद आपका उसके बाद रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग, उसके बाद जनरल नॉलेज हो जाता है, जनरल नॉलेज, उसके बाद जनरल साइंस हो जाता है, जनरल साइंस, ये चार मिक्स होता है। इसमें से आपको टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, सभी को मालूम होता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 100 नंबर का होता है, पासिंग मार्क 35 नंबर होता है, मेरिट में आने के लिए आपको कम से कम 60 नंबर से ऊपर ही लाना होता है मेरिट में, अगर आना है तो, अगर चाहते हैं भर्ती होना तो आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या कौन सी बुक लेनी है। अगर आप मार्केट से कोई प्रैक्टिस के लिए सेट के लिए बुक लेना चाहते हैं, तो ये एक बुक है, यहाँ पे इसका नाम देख सकते हैं, इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी जीडी परीक्षा के लिए अभ्यास प्रैक्टिस सेट। ठीक, राम सिंह यादव की है, ये मतलब यादव की राइटर की बुक है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद ही इस पे कुछ वीडियो बना रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य ज्ञान का जो आता है, सामान्य ज्ञान में टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, सामान्य ज्ञान का यदि आप एग्जाम देंगे 100 नंबर का जीडी का पेपर रहता है, तो सामान्य ज्ञान के आपके क्वेश्चन है इसमें, सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन है। उसके बाद सामान्य विज्ञान के देखिए कितने क्वेश्चन है, 16 से लेकर 35 तक है सामान्य विज्ञान के। उसके बाद आप देखिए भाग 3 में गणित के सवाल आ जाते हैं, गणित के सवाल आपके 36 से लेकर आपके कहाँ तक है देख लिया जाए, 50 तक है। उसके बाद आपका कुछ रीजनिंग भी इसमें आ जाता है किसी किसी सेट में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला पेपर ले लीजिए, यहाँ पे पहले में देखिए सामान्य ज्ञान हो गया, उसके बाद आपका हो गया सामान्य विज्ञान, उसके बाद आपका गणित हो गया, उसके बाद आपका पीछे ये देखिए, यहाँ पे देखिए सामान्य बुद्धिमत यानी रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन होते हैं, बहुत कम होता है। ये तो आपका बुक को लेकर होगा कि बुक कौन सी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, देखिए लूसेंट अगर पढ़ते हैं तो लूसेंट एक कहानी की तरह होती है, पढ़ते पढ़ते लड़के लड़कियां सो जाते हैं, लेकिन आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है लूसेंट को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आर्मी में आता है वही सिर्फ आपको पढ़ना है, और इसका टॉपिक क्या होता है सभी लड़के लड़कियां ये भी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं टॉपिक सिर्फ बताऊंगा और आपको वही पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक में देखिए ज्यादातर जो आते हैं संविधान से देख लीजिएगा, संविधान से अक्सर आते हैं। ठीक है, उसके बाद गेम से जो खेल कूद का होता है ना उससे आते हैं, जीव विज्ञान से आ जाते हैं, और रसायन विज्ञान से भी आते रहते हैं, और भौतिक विज्ञान से। यानी आपको टॉपिक वाइज छांट छांट के पढ़ना है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। टॉपिक वाइज कैसे आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप ये सेट उलाटेंगे ना, जब ये आप सेट उलाटेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ये खेल से पूछा है, ये गेम खेल से पूछा है, हॉकी क्रिकेट, तो खेल वाला जो गेम का टॉपिक है उसे अलग पढ़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे किस भारत के
प्रथम ईसाई धर्म मतलब प्रचालक कौन थे, तो धर्म के जो टॉपिक है उससे अलग पढ़ लेंगे, यानी टॉपिक वाइज आपको करके पढ़ना है। भारत का मुद्रीकरण यानी अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लेंगे, मतलब टॉपिक वाइज करके आपको एक लिस्ट बना लेना है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये तो आपका जनरल नॉलेज जनरल साइंस हो गया। उसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में ज्यादातर लड़के कंफ्यूज होते हैं, मैथ में ज्यादा चैप्टर नहीं होता है, मैथ का टोटल 30 या 25 पता नहीं कितना चैप्टर होता है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 48 टोटल चैप्टर होता है, लेकिन 48 में से सिर्फ यदि आप 8 चैप्टर पढ़ते हैं मैथ के ना, तो आप आर्मी जीडी का आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ना होता है, और वो कौन कौन से चैप्टर है देख लीजिए, अगर आप भी आर्मी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। सबसे पहले ये संख्या पद्धति में आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद औसत में, संख्या में, परसेंटेज में, फिर लाभ हानि में, अनुपात में, मिश्रण में, उसके बाद आपको समय दूरी टाइम एंड वर्क में, फिर रेल से संबंधित दूरी में, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से एक सवाल आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज से उतना नहीं आता लेकिन साधारण ब्याज से एक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्रफल से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 5-6 चैप्टर थे और सब छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे घड़ी वगैरह कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, कैलेंडर कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है आपको, बिल्कुल ये सब नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे सर्किल से एक पढ़ लीजिएगा, सर्किल से, ठीक है, सर्किल से बस। अगर ये मात्र आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आर्मी का एग्जाम निकालने के लिए कोई भी आपका नहीं रोक सकता है। और भी आपका कोई डाउट है, कोई कुछ है तो कमेंट कीजिए नीचे, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लाल से लिखा होगा उसको दबा लीजिए। मेरा नाम था राकेश यादव, जितनी मुझसे बनता है उतनी मैं लड़कों की हेल्प करता हूँ, लड़कियों की हेल्प करता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अपने दोस्तों में प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको हर टाइम आर्मी की हर भर्ती की जानकारी मिलती रहेगी, एग्जाम, एडमिट कार्ड, कहां भर्ती आ रही है, कब भर्ती आ रही है, पेपर में क्या आता है, फिजिकल क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, सब कुछ बताया जाता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, A to Z आर्मी के बारे में बताया जाता है। तो आप जुड़ जाइए तुरंत, ठीक है। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।